ओके बेटा, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या देखना है बेटा, आपका जो चैप्टर था एडिशन, वो लगभग बेटा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। बस आज उसमें हमें देखना है कि रिवीजन एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ओके, कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है, एंड देन पेयर कॉपी में क्या राइट करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बेटा पेयर कॉपी। पेयर कॉपी वर्क में आपको क्या करना है बेटा, पेयर कॉपी वर्क में आपको देखिए कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, है ना बेटा। पेज नंबर आपका है 29, ओके। तो क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, डी, ई, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद बेटा आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर एफ, जी, एच, आई, ठीक है बेटा। टोटल ए से लेकर आई तक के क्वेश्चन से बेटा जो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करना है, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई, अब बढ़ते हैं बेटा दूसरी चीज पे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिविजन एक्सरसाइज, ठीक है। अब रिविजन एक्सरसाइज में क्या है बेटा, वो सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको बस इसे प्रैक्टिस करना है। तो याद रखना बेटा, रिविजन एक्सरसाइज को आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है, फेयर कॉपी में नहीं सॉल्व करना है। समझ में आया बेटा, चलिए। देखिए ये एडिशन है, इजी है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा, आपको क्या करना है, ये वर्ड में लिखा हुआ है तो वर्ड से इसको नंबर में लिखना है इस टाइप से टेबल में, और फिर क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। ओके, बढ़ते हैं आगे बेटा, इजी क्वेश्चन है सारे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, ये इस टाइप का एडिशन भी हमने किया था बेटा। इस वाले एडिशन में क्या करना है, टॉप से डाउन की तरफ नंबर्स को ऐड करना है, ओके। और इस वाले एडिशन में नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से ऐड करना है। समझ में आई बात। ये दोनों किस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेंटल मैथ्स। नेक्स्ट क्या है बेटा, मेंटल मैथ्स। तो मेंटल मैथ्स में आपको क्या करना है बेटा, रीग्रुप करना है बेटा इन नंबर्स को। रीग्रुप कैसे करना है, जैसे 16 वंस लिखा है, तो 16 वंस को बेटा मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 16 वंस में कितने टेंस बन रहे हैं, 1 10 बन रहा है, तो 1 10, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रीग्रुप कर दिया, क्या कर दिया बेटा, रीग्रुप कर दिया। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको बेटा एडिशन की प्रॉपर्टीज यूज हुई है, तो आपको ये भी अपने आप से सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको देखना है कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। नेक्स्ट इसको आपको क्या करना है बेटा, मेंटली ऐड करना है। मेंटली ऐड करना है मतलब आपको कोशिश करना है कि इसको आप कॉपी में ना राइट करके ऐड करें, डायरेक्ट कर दें। तो आपको आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखना है। कैसे, जैसे आपको इस नंबर में 40+ करना है, तो देखिए 0 को तो ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, ये कौन सी प्लेस वाला नंबर देखना है बेटा, 10th प्लेस पे। यहाँ पे 10th प्लेस पे 4 लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है, 4। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 4 6 8 0। समझ में आई बात बेटा, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है इनको नियरेस्ट 10,000 के, और फिर इनका सम पता करना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है बेटा 17 वंस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में इसे भी बेटा क्या करना है, रीग्रुप करना है। तो 17 वंस लिखा है तो 1 10 हो जाएगा, और 7 वंस देखिए ऑप्शन कहाँ लिखा है, 1 10 7 वंस पहला वाला, तो इस पे आपको क्या कर देना है बेटा, टिक कर देना है। समझ में आई बात, वैसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। ओके,
देन आफ्टर ये वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व करिएगा पढ़ के। देन लैब एक्टिविटी भी बेटा आपको रीड करनी है खुद से और सॉल्व करना है, ठीक है? और आपको ये बात याद रखनी है कि जो रिवीजन वाला पार्ट है ना बेटा, ये सारी है ना, ये सब आपको स्पेयर कॉपी में नहीं करना है, ओनली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन रफ कॉपी, ठीक है बेटा? समझ में आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही था बेटा, कल से फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ठीक है बेटा? क्योंकि तो क्या रहेगा, सब सबट्रैक्शन, ओके? चलिए अभी आप लोग क्या करिए बेटा, अपना अटेंडेंस लगा दीजिए और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, अर्पित, अर्पिता कुशवा। हाँ बेटा अर्पिता। सर, हमारी कुछ दिन से मीटिंग नहीं हो पाई थी कि हमारा ग्रुप डिलीट हो गया था। तो बेटा आपके ना, आप क्या करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है अभी आपका, सर। तो उसमें आपके पुराने मैसेज हैं क्या? नो सर। तो एक काम करिएगा बेटा, आप YouTube चैनल पे, आपको एक सेकेंड बेटा, ओके? तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके? चलिए बाय बाय।